पिक्चर चालू करो बे। आलोक शर्मा जी, ये एक एक कहावत है ना, बद से बदनाम बुरा। कहीं कोई किसी अपने कोई आदमी अपने पार्टी को छोड़ता है, फौरन से इल्जाम लग जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यही तोड़ रहे हैं, ये उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उपेक्षा हो रही है चंपई सोरेन जी की, सारा इल्जाम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहावत का इस्तेमाल किया है, बद से बदनाम बुरा। बीजेपी बदनाम नहीं है, बीजेपी बद है, और बीजेपी ने बद रहते हुए ही तमाम सरकारें गिराई हैं। शायद आपको तो मेरे से भी ज़्यादा याद होगा, आप तो मीडिया के साथी हैं, कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश से लेकर और तमाम राज्यों में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, किस तरह से सरकारें गिराई थी इन्होंने, वो पूरे देश ने देखा है। तो ये बदनाम नहीं बचे, अब ये बद हैं, और ये डिक्लेयर्ड बद हो गए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन कमल चलाया जाता है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। किसी ने इसके ऊपर एक पोएम भी लिखी थी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी। अरे बहन चोद फवाद, जुंगरो जुंगरो जुंगरो, सब छुप जाए, संगीन आरोप अभी चुटकी में लग जाए। बीजेपी के लीडर हैं मंजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने कहा कि कंगना को या तो जेल में भेजना चाहिए या मेंटल हॉस्पिटल में। इतने नाराज हैं सर, मुझे लगता है कि उनका जो खुद का ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख के तो मुझे लगता है कि अगर वो मेरी फिल्म का, किसी भी फिल्म का एक भी शॉट कर ले ना, लेके दिखा दें, तो मैं तो खुद ही अपनी फिल्म जो कभी रिलीज नहीं करूंगी। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल, पिलियल बोल। इतनी तो उनकी लियाकत और उनकी हैसियत है नहीं कि एक शॉट ले ले किसी फिल्म का। और मुझे वो कह रहे हैं कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में डालो। आपने इस फिल्म में ऐसा दिखाया क्या है कि जो लोग इतना ट्रेलर देखकर ही आहत हो गए हैं? देखो, आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक FD, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। खराबी इंडिया टीवी का, ये हाउस हमारे नाम करें। अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे, लेकिन ये भी बताइए कि हम TT से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। कितना कमा लेते हैं? हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है, कोई चढ़ा जाता है। समझे दया, हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। पहले ये देख महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं अपनी पत्नी को लेकर आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। क्या बोल नहीं रही? नहीं बोल, आवाज नहीं निकल रही है। 3 दिन आवाज बंद है, बिल्कुल आवाज बंद है। चलो चोटी के बाल को लेने की पहले आवाज खोले। ठीक है, ऐसे आन दो ना, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? बात तो सही है। लाली की आवाज खोली जाए, लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। कैसे कैसे हो, गले पे फेरो 5 बार, शाबाश शाबाश, एक बार फूंक दो मेरी तरफ ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा क्या नाम है? लाली। बोल वंशी। अरे बाबा, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है बाबा की। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। KK शर्मा का दिया गया एक एक शब्द मेरे लिए तमगा है, क्योंकि मैं सरकार की चाटुकार करने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं सेल्फी खोर पत्रकार नहीं हूँ कि बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचवाकर अपने फेस डालू। जो डालते हैं मैं उनको पत्रकार नहीं मानता। पत्रकार वो जो सत्ता से लगातार टकराता है, सत्ता को लगातार आलोचना करता है, सत्ता की चाटुकारिता नहीं करता है। क्या बात है सर, क्या बात है, आपकी पत्रकारिता मुझे ज्ञान मत सिखाइए। आपके मंत्रियों के साथ सेल्फी खिंचाकर मैं खुश होता हूँ। मैं केंद्रीय मंत्री की आलोचना करके मुझे लगता है पत्रकारिता का धर्म निभा रहा हूं, मैं चाटुकारिता नहीं करता। ये हुई ना बात। लेकिन सवाल ये है कि हर संस्था पर जो पत्थर फेंकने की आपकी स्ट्रैटेजी थी, आपको नहीं लगता है कि उसको जनता ने नहीं साथ दिया?
पूरी तरीके से असहमत हूं, तो लेकिन ये मेरा अधिकार है। एक बात, दूसरी बात, अगर आप ये कह दें कि साहब संविधान को नकार दिया है, संविधान बचाने की मुहिम को नकार दिया, तो आज की डेट में आपको सुनकर के भी अच्छा लगेगा और आप स्वयं कई बार बहस भी कर चुकी है। आज की डेट में ब्रॉडकास्टिंग बिल ला पाए ये लोग, अगर ये संविधान की ताकत ही तो है, राहुल गांधी जी की और इंडिया गठबंधन की ताकत ही तो है कि ये ब्रॉडकास्टिंग बिल भी नहीं ला पाए, ये लोग वक्फ बिल भी नहीं ला पाए, 45 लेटरल एंट्री भी इन लोगों को वापस लेनी पड़ी, आज की डेट में इन्हें हरियाणा का चुनाव टालने के लिए गुजारिश करनी पड़ रही है, इनके पास 44 जो लिस्ट थी वो इनको वापस लेनी पड़ी। ऐसे में आपको 1000 चीजों के उदाहरण दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में इन्होंने नजूल एक्ट इनको वापस लेना पड़ा। ये अगर आपको संविधान की ताकत या संविधान बचाने की लड़ाई की ताकत नहीं दिखती है तो ये आपकी दृष्टि दोष हो सकती है, इसका इलाज मैं तो नहीं कर सकता, आप अपने यहां पर, आप एक इनलाइटेड महिला है, आप स्वयं देख सकती है। सबसे ईमानदार नेता, सबसे ईमानदार नेता, आई थिंक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ईमानदार लाइक एज इन ऑनेस्ट, एज इन हाउ मोस्ट ऑनेस्ट। वाह दीदी वाह दीदी। क्या प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक है? बिल्कुल भी नहीं। इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने सही किया या गलत? अरे तो बाप, फिल्म तो फिल्म देखने का इरादा है कि नहीं? नहीं। देश के निर्माण में नेहरू जी का योगदान कितना मानती है? नेहरू जी का योगदान वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? मिनिस्क्यूल। 17 साल रहे हो, कहते हैं कि उस समय बड़ा डिफिकल्ट था आजादी के बाद देश को संभालना और उसको बनाना। 10 सालों में जितनी तरक्की की है हर एस्पेक्ट में, अगर यही तरक्की उस टाइम पे मिली उन क्रूशियल 17 इयर्स में तो क्या होता, सोचिए खुद ही। कुछ भी, कौन है ये लोग जी? अगर कांग्रेस करती है तो बीजेपी ने कर लिया, अगर इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा दुरुपयोग या उपयोग अगर किसी ने भारत की राजनीति में किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा झूठे कंटेंट, फर्जी कंटेंट और नफरत फैलाने वाले सामग्री अगर कोई डालता है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, इनसे जुड़े लोग डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज देश के गृह मंत्री हैं, वो खुद ये कह चुके हैं कोटा में बीजेपी आईटी सेल को संबोधित करते हुए, उनका वीडियो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, वो खुद ये कह चुके हैं कि कभी कभी झूठी फर्जी खबरें भी चला देनी चाहिए। हमारे आईटी सेल ने उत्तर प्रदेश में झूठी खबर चलाई थी कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा, हालांकि ये खबर झूठ थी लेकिन इससे हमें लाभ हुआ चुनाव में। ये अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से मंच से कहा और सारे चैनलों पर ये खबर चली, उनका ये चला वीडियो। अरे देवा, ये एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूँ कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। शर्म नहीं आती तुझे? ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूँ, झूठ मत बोलिए। वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए, बीच में ना बोल। मैंने नहीं डिस्टर्ब किया, अब मैं पूरी बात कर रही हूं। झूठ की बात, थोड़ी कलई तो खोल दीजिए। वो यूएन जाकर कहते हैं कि मैंने बाइडेन से कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, नरेंद्र मोदी का आज का स्टेटमेंट है राइट, यूएन जी के साइडलाइंस पर, बाइडेन के प्रेस नोट में तो ऐसी बात कही नहीं है। तो आप घर पर भी नहीं, आप जी के मंच पर ही नहीं, आप अब विदेशों पर भी जाकर झूठ बोल रहे हैं जिसकी पुष्टि बाकी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुस्लिम का प्रयोग किया हो। मैंने कहा हिंदू का नाम नहीं है, करेंगे और सुनेंगे और ट्विटर पर चलेगा, आज ये चलेगा ट्विटर पर शाम को। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं। तो दे दीजिए सुरेंद्र भाई, आपकी इतनी तारीफ की, इतने अच्छे अच्छे आंकड़े दिए आपके पक्ष में। अभी बदत है भाई, अभी बदत। वो कहते हैं ना मानक भाई कि मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। क्या बात, क्या बधाई है क्या बात भाई, और हम इतना सच्चा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ये हुई ना बात, क्या बात। यशवंत भाई को मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यशवंत भाई क्या चाहते हैं, मूड ऑफ द नेशन लाए क्यों? भैया मोदी जी कहीं जा रहे हैं, या मोदी जी को हटाना है, या मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, 6 महीना चुनाव का नहीं हुआ, आप ले आए मूड ऑफ द नेशन क्यों? क्योंकि चारों राज्यों में हालत पतली है भाजपा की। बहुत साफ बताएं, देखिए अभी यशवंत भाई कुछ भी कहें बुरी लगेगी यशवंत भाई को बात, और यशवंत भाई हम लोग पहले भी बैठे थे चुनाव के समय जब हरियाणा पे हम लोग बात कर रहे थे, तो यशवंत भाई बड़े सलीके से क्या नाम हरियाणा की जो कुछ चीजें थी वो भाजपा की तरफ दे दे रहे थे। अरे साला तुम लोग पागल है क्या?
हाँ भैया बंगला। हाँ भैया आप सुनिए बहना। हाँ भैया क्या बोला कि किसी गुंडे ने कहा है शांत गदादारी भीम रोजा है आराम से सब सुन रहे हैं। अरे मैडम सुनिए सुनिए शांत हो जाओ। बंगाली नहीं आता आपको? सुनो बंगाली नहीं आता सुनो आपके चैनल। हाँ बताओ हाँ बताओ बताओ बंगाली को पूछो। हाँ बताओ बंगला मैंने क्या बोला? हाँ बोलो। किसी गुंडे ने कहा है कि रामनवमी के दिन हम अस्त्र लेकर निकलेंगे और जुलूस करेंगे। मैं जुलूस को रोकूंगी नहीं लेकिन अगर अस्त्र निकलते हैं तो सरकार की ओर से कार्रवाई होगी। झूठ आपके गजब झूठ आदमी है यार। तुझे अक्कल है? नहीं गजब झूठे आदमी है। अरे अरे झूठी है सही पकड़े हैं। सुना साहब सुना आपने लुबिका अरे सुनिए 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 बदतमीजी मत करना मेरे साथ बदतमीजी करना मैं तौसीफ खान साहब बिल्कुल बदतमीजी बदतमीजी नहीं गजब बेइज्जती है। सिंह पकार साहब एक फिल्म की इतनी खिलाफत मजा नहीं आ रहा है। देखिए द केरला स्टोरी पर बंगाल में बैन लग गया नाविका कुमार जी के ऊपर पहाड़ टूट गया। लेकिन जब परजानिया 2005 में रिलीज हुई और उस पर गुजरात में प्रतिबंध लग गया तो नाविका कुमार जी नगाड़ा लेकर बजाने लगी खुशी से। गजब बेइज्जती है। 32,000 FIR कहाँ है आपके लिए तो 2 मिनट लगेगा। ये इधर फोन उधर फोन ये थाना वो पुलिस अब खड़ा कहिए दीजिए 3200 32,000 से टाइम लग जाएगा 3200 FIR दिखाइए आप मुझे। बात तो सही है। और अगर आपने 3200 FIR दिखा दी तो मैं आपको असली और ईमानदार पत्रकार एक्सेप्ट कर लूंगा वरना मैं आपको एक प्रमोटर फिल्म का एडवर्टाइजर और एक फिल्म का क्या बोलते हो जैसे वो झंडू बाम का ऐड आता है अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं जैसे वो क्या होता है वो लाल तेल का ऐड आता है अमिताभ बच्चन तेल बेचते हैं वैसे ही मैं समझूंगा नाविका कुमार जी फिल्म बेच रही है। शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की ये जिहादी थोड़ी हो गए। ये बताइए ये कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए मैं एक सन्यासी हूँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया मोहब्बत नहीं की तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद